हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग से जुड़ी हुई, पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है स्टूडेंट्स का कि क्या काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग आपकी 101% होगी। काउंसलिंग का शेड्यूल भी आपका रिलीज होगा। RHS का मानना है कि या तो मंडे को हम रिलीज कर देंगे या फिर 15 तारीख तक हम रिलीज कर देंगे। ऐसा RHS के बड़े लोगों से बात करने पर ऐसा हमारे सामने निकल कर आ रहा है, चाहे स्टूडेंट्स कॉल कर रहा है तभी उन्होंने एक रटे टाइप बात पकड़ रखी है कि हम रिलीज कर देंगे। ये नहीं बोलते कि कर देंगे, नहीं बोलते, हो सकता है 15 तारीख तक, हो सकता है 14 तक, हो सकता है मंडे तक, हो सकता है। ऐसे उन्होंने एक गलत भ्रामक जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वो पहुंचा रहे। अभी कोई भी फिक्स डेट वो कोई भी अपनी बात पर टिके हुए नहीं है, तो अभी कोई भी उनकी फिक्स डेट अभी तक नहीं आ रही है। उन्होंने अभी तो पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग थी, पैरामेडिकल की काउंसलिंग उसे भी पोस्टपोन कर दिया है, उसे भी जहाँ का जाए रोक दिया है, बिल्कुल बीच में अटका दिया है काउंसलिंग को, जबकि ऐसा होने वाला नहीं था। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि GNM का ऑलरेडी शेड्यूल आ रखा है। GNM के शेड्यूल में आपने क्या चीज़ देखी थी? GNM के शेड्यूल में लिखा हुआ था कि काउंसलिंग एक के दिन बाद नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फर्स्ट काउंसलिंग जैसे खत्म होती, सेकंड के बाद अपवर्ड अपवर्ड सारी चीज़ उन्होंने वन बाय वन कर रखी। लेकिन RHS ने अभी तक ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं निकाला है। पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑलरेडी उन्होंने बीच में स्टॉप कर रखी है, इसका प्रूफ आप देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 28 को नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में अपन दिखा चुके थे कि आपकी काउंसलिंग पोस्टपोन हो रखी है। जो नोटिफिकेशन आया था इसमें आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह के बारे में दे रखा था कि आगे फर्दर अपडेट के लिए आप वेबसाइट चेक करते रहिए। अभी तक कोई इसके लिए जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अपन BSc नर्सिंग की बात करें तो BSc नर्सिंग की संभावना थोड़ी लेट हो रही है इस बार, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है वैसे तो, और भी लेट होने की संभावना है। जहां तक लगता है 20 तारीख के अराउंड ये ले जाके जाएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट राउंड में पूरा मार्च चला जाएगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा उसमें मार्च पूरा चला जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी करना है, सारी जानकारी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार डॉक्यूमेंट्स आप सभी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आपको ही दिक्कत आने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्टेज वगैरह हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। कल आपको वीडियो देखने को मिलेगा किसके बारे में, कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपीज, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, चाहे RBSC हो चाहे CBSE हो, सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है, और अदर स्टेट वालों के लिए 101% अनिवार्य। कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसे आप किसी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उससे, उसके थ्रू आप बनवा सकते हो। किस प्रकार बनाओगे, दो स्टेप में इसके आपको बताऊंगा। अगर जानना है आपको दो स्टेप क्या रहेंगे, कैसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन करना होगा। दोनों स्टेप आपके, एक स्टेप हर कॉलेज में मान्य नहीं होगा, एक स्टेप सभी जगह मान्य होगा। कैसे, कौन सा स्टेप है जो हर जगह मान्य होगा और कौन सा स्टेप किसी जगह मान्य नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस आपसे इस वीडियो में अगले वीडियो में करूंगा, मतलब इसमें नहीं करूंगा, अगले में करूंगा, ठीक है। एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट के बारे में कुछ कॉलेजेस है जहां पर एफिडेविट, तीन एफिडेविट बनते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पर केवल एक एफिडेविट बनता है, बाकी दूसरे भी बनते हैं लेकिन वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बनते हैं। एक एफिडेविट ऐसा होता है जो आपको हाई कोर्ट से या अदालत से बनवाना होता है, वकील के थ्रू बनवाना होता है, बाकी जो एंटी रैगिंग और स्टैंडर्ड वाला जो होता है, जैसे बीकानेर वाला कॉलेज है, बीकानेर वाले कॉलेज में एफिडेविट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक पोर्टल होता है, उनके खुद का वेबसाइट का, कॉलेज का खुद का पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू एक कोई मित्र वाले, उन्होंने स्पेशलाइज कर रखे हैं, वो ई मित्र वाले उस पोर्टल के थ्रू आपको एफिडेविट बनाकर दे देते हैं। वो कॉलेज के अराउंड आसपास में आपको देखने को मिलते हैं ई मित्र की शॉप, ठीक है। तो ये एफिडेविट आपको बनवाने हैं, ये आपको ऑनलाइन बन जाएंगे, बाकी ये जो है ये आपको ऑफलाइन बनेगा। ये कहाँ पर बनवाना होगा, ये तो आपको अदालत में बनाना होगा, और ये हर साल हो सकता है इस बार इसमें फीस चेंज कर दिया जाए। लास्ट ईयर 50,000 रुपये आपके पेनल्टी फंड था, लेकिन हो सके इस बार 1,00,000 भी पेनल्टी फंड कर सकते हैं, तो नया नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए,
इसके अलावा 3 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आपके पास होने चाहिए, जिसमें एक ओरिजिनल होना चाहिए, ऑल ओरिजिनल एक सेट में, और 2 सेट कैसे होने चाहिए, 2 सेट में फोटोकॉपीज आप रखोगे जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं रखना, आधार कार्ड यहाँ पर दे रखा है तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल नहीं रखना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको 3 सेट्स में रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, पीस यानी कि डीडी बनानी है आपको, हर कॉलेज की अलग अलग नाम से डीडी बनती है, कि जैसे कोटा की देख सकते हो आप, सुपरिटेंडेंट एंड मेंबर सेक्रेटरी आरएमआरएस एमबीएस हॉस्पिटल कोटा के नाम से डीडी बनी हुई है, इसी प्रकार अलग अलग डीडी हर साल बनती है, ठीक है। मतलब हर साल डीडी बनेगी आपको हर ईयर में, और अलग अलग पैसे की बनेगी। ओबीसी जनरल वगैरह की फीस अलग होती है, एससी एसटी की गर्ल्स की अलग फीस होती है, सबके बारे में अलग से डिस्कस मैं कर चुका हूँ, फिर आपके लिए जरूर इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बाकी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन हर कॉलेज का अलग ज्वाइनिंग एप्लीकेशन होता है जो आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं अभी कॉलेज का ज्वाइनिंग लेटर भी या ज्वाइनिंग एप्लीकेशन भी आपको मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट लेटर आरएचएस कॉपीज, यानी कि आपको जो भी सिलेक्शन है या अलॉटमेंट लेटर है वो भी उसकी कॉपीज भी आपको चाहिए, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो उसकी जेरोक्स आपकी कॉपी जो होगी वो आपको तीनों सेट में लगानी होगी। इसके अलावा आरएचएस का चालान कॉपी आपके पास होना चाहिए, जब आप काउंसलिंग करवाओगे काउंसलिंग के टाइम पर आप जो चालान सबमिट करते हो चालान की कॉपी भी आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखें, इतने जो डॉक्यूमेंट्स है मेनली डॉक्यूमेंट्स है, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना सीसी की जरूरत पड़ेगी, करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जो भी है यही डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर। तो आप घबराए ना, और मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है। तो ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें कॉलेज वगैरह का नाम होता है, और इसमें आपको यहाँ पर लिखना है आपका अलॉटमेंट लेटर, जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो चीज़ लिखनी है, यहाँ पर जिस दिन आप एडमिशन लोगे वो चीज़ यहाँ लिख देनी है, और डॉक्यूमेंट्स इस क्रम में आपको सबमिट कर देने हैं, जो भी आपकी फाइल्स बनेगी सभी फाइलों में इस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा लेने हैं, और यहाँ पर आपका नाम डेट और पूरा पिता का नाम पूरा पता, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देने हैं, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। इसके अलावा हम आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी बोनाफाइड जो भी सर्टिफिकेट है सभी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे द्वारा। तो आप बस इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड के लिए बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन, कहाँ कौन से कॉलेज में 1 सीट है 2 सीट है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हर जानकारी सबसे पहले यहाँ पर दी जाएगी। मॉपअप राउंड में क्या होता है, मॉपअप राउंड में सीट खाली रह जाती है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं लग पाता, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अगर आपको मॉपअप राउंड के बारे में अगर पता हो तो ज़रूर आपका 30 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपको पता लग जाए। किसी को पता लगता है किसी को नहीं लगता, बहुत सारी सीट ऐसे होती है जो कोई वहाँ पर प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो सीट्स को बिकवा देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, सीट को बिकवा देते हैं, सीट को अपने किसी रिलेटिव को दिला देते हैं, इस प्रकार से वो पैसे लेके सीट को कंज्यूम करवा लेते हैं, या प्रिंसिपल या कोई भी होता है जो कॉलेज प्रशासन होता है वो सीट्स का पता नहीं लगने देता, लेकिन पता लग जाता है, बट हम उसको फिर हमसे भी बोल दिया जाता है कि आप नहीं बताओगे तो हम नहीं बताते, लेकिन अगर आप सभी सपोर्ट करोगे चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो आप हमको हर इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम वगैरह पर आपको देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, टेक केयर, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जल्दी आपके लिए जारी होने वाला है, टेक केयर।